ब्लॉक थाने जाइए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं, यानी ना सुनवाई ना कार्रवाई। क्या हो रहा है इस मौजूदा सरकार में भाई? कुछ नहीं हो रहा। एक काम है, आपस में लोग लड़ रहा है, बीजेपी वाला जदयू का गाड़ी आ रहा है, जदयू वाला बीजेपी के गाड़ी आ रहा है, मुकेश जी बीजेपी को गाड़ी आ रहे हैं, बीजेपी के स्पीकर मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नीति आयोग के हर सूचकांक में फिसड्डी आया बिहार। तब मुख्यमंत्री आप थे 16 साल से, क्यों फिसड्डी आ रहा है बिहार? यानी आप दोषी, आप काम नहीं कर रहे, और आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो बीजेपी ही का ना दो उप मुख्यमंत्री है, तू बोलता कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को चाहिए नहीं। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सरकार है कि सर्कस है पूरी तरीके से। अब स्पीकर साहब बोलते हैं कि मेरा थानेदार नहीं सुनता। सोचो, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उसका एक थानेदार नहीं सुन रहा, डेली हाउस पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। इसी बात पर मुख्यमंत्री भड़क गए और भड़क करके डांट दिए अध्यक्ष के डांट। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। सोच लो, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर बिहार का, बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं उसका इज्जत मान सम्मान नहीं, तो हम आप जैसे जनप्रतिनिधियों का क्या मान सम्मान करेगी ये सरकार? हर जगह अफसरशाही लागू है। इसलिए आप सब लोग गोलबंद रहिए और एक एक वोट जो है अजय कुमार सिंह जी को आप लोग देने का काम कीजिए। और पार्टी के लोगों से भी हम कहेंगे, भाई ईमानदारी से लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप लोग सब लोग लगिएगा। मुकेश सहनी विधानसभा में बोल रहे थे, बहुत भाषण दे रहे थे, हमारे मुकेश जी थोड़ा स्थिर से, आप रिचार्ज कूपन, आपका रिचार्ज भी हो पाएगा। और देखो भाजपा वाला सहनी जी के ठग लिए ठगा ना गए, हम तो किसी को छोड़े नहीं थे, लोग खुद बहक करके चले गए थे, सोचे कि भाजपा में भाई ज्यादा सीट मिलेगा, ही मिलेगा, हम लोग मान सम्मान के साथ जानते। तो आप बुझा रहा है तो सहनी जी बोल रहे कि हम तो लालू जी के विचार त्याग दिए, अजाक के बैठे हुए थे आरएसएस के गोद में, अब पीठ में कौन खंजर भोका, सीना में कौन खंजर भोका, आगे भी भोका पीछे भी भोका वही लोग भोका। हम लोग तो भाई सबको लेकर के चलना चाहते। अब सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी, लेकिन मुकेश जी का रिचार्ज का नंबर जो था वो बीजेपी ले गया, तीन लोग तो रिचार्ज हो नहीं सकता। तोड़ जोड़ करके सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आज के दिन में हो गई, लेकिन सब लोग जानते हैं सच्चाई कि किसका पार्टी तो जनता ने कितना आशीर्वाद, सब जानते, कोई छुपा नहीं है।